क्या हम ये माने कि जिस दो कदम की बात कृषि मंत्री कर रहे हैं उसके लिए आप लोग राजी हैं? रास्ता कैसे निकलेगा? आप लोग कहते हैं कृषि बिल वापस हो हर हाल में, वो ऐसा करने को तैयार नहीं है, वो संशोधन करना चाहते हैं, कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? देखो, बीज का रास्ता जरूर निकलेगा। खेती बाड़ी का विषय देश का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हाँ। आज बरसों बाद इस पे बात होने लगी है, बरसों बाद इस पे चर्चा होने लगी है, बरसों बाद इस पे किसान जागे हैं, एकत्र हुए हैं, अपनी विनती लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें देर लग रही है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन सही नतीजे पे सरकार जाए हम इसकी आशा करते हैं। और मैं एक विनती जरूर करना चाहता हूं सरकार से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, कि इस खेतीबाड़ी के विषय को जीत हार का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारा देश इस समय बहुत गंभीर विषय जो चाइना का है उसके साथ जूझना है। हमें देश के अंदरूनी हालात ऐसे रखने चाहिए कि पूरी सपोर्ट जो है पूरे देश की और हमारे किसानों की देश के साथ रहे, देश के प्रधानमंत्री के साथ रहे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, इसको जीत हार का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर किसान हारेगा तो वो मैं समझता हूं कि उसको देश की हार माननी चाहिए। ठीक है, मैं केसी त्यागी जी से आपकी बात पर एक रिएक्शन ले रही हूँ। केसी त्यागी जी, वो कह रहे हैं कि सरकार इसको जीत हार का विषय ना समझे, किसानों की जीत, देश की जीत, क्या इसी वजह से देरी हो रही है? अंजना जी, हमारी पार्टी ने संसद के अंदर इस बिल का समर्थन किया है। हम एकमात्र विश्वसनीय और इकलौती सहयोगी पार्टी है लोकसभा के अंदर, लेकिन हमारी भी कुछ शिकायतें हैं। सहयोगी दलों को विश्वास में लेना चाहिए था, किसान संगठनों से वार्ता करनी चाहिए थी। मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं, एक रवायत चली आ रही है लंबे समय से कि जब विपक्षी दल संसदीय समिति को, स्टैंडिंग कमेटी को बिल को रेफर करने के लिए कहते हैं तो 95% वो बिल रेफर किया जाता है और सर्वदलीय कमेटी बनकर के उस पर अपना फैसला देती है और वो सरकार को भी और विपक्ष को भी दोनों को मान होता है, वो भी नहीं इसमें बरता गया। इवन देन सरकार के द्वारा जो किए जा रहे वार्ता के प्रयास है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसान संगठनों की अधिकतर मांगों के साथ हमारी सहानुभूति है और इस ठंड में जो अन्नदाता है उनके 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई दर्जन बीमार हैं, कई ने आत्महत्या की है, इसलिए और अतिरिक्त संवेदनशील होने की आवश्यकता है। MSP खत्म नहीं होगी, प्रधानमंत्री के इस वक्त से मैं सहमत हूं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। MSP खत्म नहीं होगी, मैं प्रधानमंत्री के इस वक्त से सहमत हूं, लेकिन सरकारी खरीद के अलावा किसानों को MSP के दाम नहीं मिलते हैं, इस पर भी मेरे विचार साफ है कि देश में कहीं भी नहीं मिलते हैं जो सरकार के द्वारा MSP है। और अंजना जी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उस पर MRP लिखा रहता है, उससे एक नए पैसे पर, कम पैसे पर कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए सरकार के द्वारा जो MSP तय की गई है उस पर प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को क्यों नहीं MSP का दाम देना चाहिए, ये तो हमारी समझ से बाहर है। क्यों नहीं? दूसरा, ठीक है, पूरा मैं आज के एक बयान से बड़ा कष्ट में हूं जिसमें हमारे केंद्र सरकार के वरिष्ठतम मंत्री श्री जरा अपना ये दिखाएंगे, एक मिनट तो इस पर आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन। देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर 75 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना सरकार खिला रही है पिछले 6 महीने से, पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के टाइम से ही जो फूड ग्रेन को लेकर के जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी। हाँ। उसमें 2/3 आबादी को चावल, गेहूं, दाल सस्ते दामों पे मिलेगी, ये पॉलिसी बनाई हुई है और हमारी सरकार, मुझे गर्व है कि 2/3 आबादी को खिला रही है। लेकिन मेरा दिल तोड़ दिया गडकरी जी ने ये कहकर के रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज सरप्लस फूड ग्रेन। अभी FOA
जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भुखमरी की लपेट में है। साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में भी हो सकता है कि भुखमरी से मौतें हों, इंक्लूडिंग इंडिया। इसलिए आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब गांव इकट्ठे होंगे, गांव का सरप्लस होगा प्रोडक्शन, हम विदेश में भी भेजेंगे। आज दुनिया के कई मुल्कों में गेहूं, चावल, शक्कर, दाल सब जारी है। और हमारी सरकार के जो नीतिकार हैं वो जब ये बयान देते हैं कि एक्स्ट्रा फूड मेन प्रॉब्लम ऑफ द टूडेज डिससैटिस्फेक्शन, तो बड़ी तकलीफ होती है।